पोको F1 के लिए MIUI 13 SP ROM का एक लेटेस्ट अपडेट आया है एंड्रॉइड 12 का। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं हमें चेंजेस कौन कौन सी मिलने वाली। हालांकि इस बार MIUI 13 का जो लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया बाय डिफ़ॉल्ट, अब आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में। पिछले वाले बिल्ड के अंदर तो मैं इंस्टॉल करके दिखाया था तो बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया गया। बाकी और क्या चेंजेस हुए, बैटरी है, बाकी सारी चीज़ों में, परफॉर्मेंस में, इन सब में जो है क्या चेंज हुआ, आपको तो बताऊंगा ही। और पिछली वाली वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप देख लेना, क्योंकि इंस्टॉलेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगा, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको क्या चेंज हुआ उस वीडियो के बाद, तो उनके बारे में बताऊँगा। तो इसलिए वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लेना, उसमें फुल रिव्यू है। बाकी इसमें जो चेंजेस हैं उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि MIUI 13 SP ROM का 22.1.5 बीटा बिल्ड ये है, बिल्कुल लेटेस्ट बिल्ड है, 2022 का लेटेस्ट फर्स्ट और बिल्ड है ये भी। और इसके अंदर हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन है 12 मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच पहले वाला ही रहेगा दिसंबर 2021 का ही। कर्नल भी GenOS R18 पहले वाले है, और कर्नल आपको इसके अंदर चेंज अभी नहीं करना है, ना ही सेलिनक्स को, ये चीज़ें चेंज नहीं करनी है। और ब्लूटूथ का जो प्रॉब्लम पिछले अपडेट में था वो आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा, ये जो है इनेबल ऐसे नहीं होता, रिबूट करना पड़ेगा आपको एक बार, तब इसके बाद ये इनेबल होगा। तो जब भी आपको इनेबल करना है एक बार रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। एंड कनेक्शन एंड सायरिंग के अंदर हमारा कार जो अभी भी है कनेक्टिंग होता रहता है, कनेक्ट नहीं होता इसका प्रॉब्लम है। बाकी वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर वॉलपेपर्स आपके सेम पहले जैसे रहने वाली सारी चीज़ें, और अभी भी एनिमेशन नहीं मिलता वॉलपेपर में, तो इसको अभी फिलहाल इग्नोर ही करें, अप्लाई ना करें फिलहाल तो। और बाकी आपका जो थीम स्टोर है वो भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, इंपोर्ट आप कर पाओगे इसके अंदर में, बाकी पूरी तरीके से सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में जाते हो तो ऑलवेज ऑन बिल्कुल अच्छे से काम करा, और चाहो तो थर्ड पार्टी भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं मिलती, ना ही पिछले अपडेट में कोई दिक्कत थी यहाँ पे। और रेस्ट टू बैक, टैप टू बैक, ये सब काम करा, चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है। वहीं डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड, कलर स्कीम काम कर रहा है, फॉन्ट भी आपको MI सेंस MIUI 13 वाला ही मिलेगा, रोटेशन भी काम कर रहा है। अगर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में, तो इसके अंदर अभी भी साउंड असिस्टेंट का जो है बग है, काम नहीं करता, और साउंड इफेक्ट अभी, यानी कि MI साउंड सेंसर आप यूज़ अभी नहीं कर पाओगे इसके अंदर में। वहीं अगर हम चलते हैं नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, स्टेटस बार की भी सेटिंग पूरी तरीके से सेम है, यहाँ से आप नोच को हाइड कर पाओगे, तो ये भी आपका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है पहले की तरह। तो यहाँ पे भी आपको इस अपडेट में कोई चेंज नहीं मिलता इसके अंदर में। वहीं होम स्क्रीन में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो होम स्क्रीन के अंदर पहले सर्च बार एक था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रहता था, तो अभी हमें देखने को नहीं मिलता, तो चीज़ रिमूव हुआ है। बाकी आपका सिस्टम नेविगेशन पूरा सेम रहेगा और अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके अंदर दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। और आप देख सकते हो टच में भी यहाँ पे अगर नेविगेशन बटन भी यूज़ करते हो तो भी दिक्कत यहाँ पे टच में किसी में नहीं आती, अच्छे से काम कर रहा है। और नीचे फिर डोंट शो टेक्स्ट है, सारी चीज़ों के बारे में बता ही रखा, और एंजाइटी में रिसेंट भी मिल जाता है। और अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ, तो सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काम करो, पिछले अपडेट में फिंगरप्रिंट लॉक करते इंस्टेंट टैप करने पे अनलॉक नहीं होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिल रहा था, अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलती है। और IR फेस अनलॉक तो पहले भी काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा था, इसके अंदर दिक्कत हमें नहीं मिलता और काफ़ी फास्ट अनलॉक हो जा रहा था। यहाँ की जो प्रॉब्लम थी फिंगरप्रिंट की वो फिलहाल फिक्स हो चुकी है, और सिक्योरिटी भी आपका पूरी तरीके से, ये वाला सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से सेम रहेगा। एडिशनल सेटिंग में जाते हो तो अभी देख सकते हो ये नॉट इनक्रिप्टेड रोम है, तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड नहीं है ये। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन तो लेटेस्ट ही रहेगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, पहले जैसे ठीक ठाक बैटरी मिलती, यानी कि ज़्यादा तगड़ी बैटरी नहीं है, नॉर्मली आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी ठीक ठाक रहने वाली, ज़्यादा तगड़ी नहीं इसके अंदर जैसे कि पिछले में थी। वहीं ऐप्स के अंदर भी डुअल ऐप लोग काम कर रहा, सिक्योर मोड भी मिल जाता है, इन सभी के बारे में भी आपको डिटेल में बता ही रखा था पिछले में। और तो हमें चलते एडिशनल सेटिंग्स में, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी, जैसे कि चाइनीज़ बेस्ड रोम है तो आपको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं मिलती, बस इतनी देखने को मिलेंगी। और बाहर भी आपके सभी ऑप्शन सेम रहेंगे, रीजन का कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। बाकी आपका मेमोरी एक्सटेंशन ये न्यू एड हुआ है इसके अंदर में, जो कि 1 GB यहाँ पे दिखा रहा है, तो हालांकि मे भी मेरे हिसाब से उतना कुछ खास फर्क हमारे में नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना, अब सिंपली अपने MIUI वर्जन पे 7 टाइम टैप करके इसको इनेबल कर लेना। एंड इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कि टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन जो दिया गया है इसको सिंपली आप ऑफ कर देना। अगर आपको स्क्रॉलिंग में कोई लैगिंग देखने को मिल रहा है स्क्रॉल करते हो तो इसको सिंपली आप ऑफ कर देना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिबूट कर लेना डिवाइस को, तो प्रॉब्लम फिलहाल यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी।
और अब चलते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन टाइम की तरफ। तो स्क्रीन टाइम भी आपको मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आती। स्पेशल फीचर्स के अंदर भी हालांकि इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से सेम पहले जैसे रहने वाला है। और इसके अंदर MI अकाउंट भी आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। और फिर जैसे कि बोल्ट देखोगे तो ये भी सेम है पहले की तरह ही। और हमारा जो कंट्रोल सेंटर, जैसे कि आपको बताया इस बार MIUI 13 वाला लेटेस्ट वाला बाय डिफॉल्ट ही ऐड कर दिया गया इसके अंदर में, तब आपको यही लेटेस्ट वाले देखने को मिलेगा और अच्छे से काम भी कर रहा है। और पहले वाले से तो आपको अच्छा ही देखने को भी मिलेगा और काफ़ी अच्छे से काम भी करे, कोई दिक्कत भी नहीं आती। परफॉर्मेंस मोड का भी टॉगल आपको मिल जाता है इसके अंदर में, तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करे, कंट्रोल सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से ये काम कर रहा है। और वॉल्यूम पैनल भी सेम रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ इस अपडेट के अंदर में। और हमारा जो यहाँ पे पावर मेन्यू है वो भी पहले की तरह है, यानी कि थोड़ी देर होल्ड करके रखना है तभी ये आता है, और लेटेस्ट पावर मेन्यू है और इसे एक्सटेंड आप नहीं कर सकते इसके अंदर। और अब चले कॉलिंग की तरफ, तो कॉलिंग के अंदर वॉल्ट ही काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है, जैसे कि पिछले अपडेट में भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, वीडियो कॉल वर्किंग है। ब्लूटूथ के लिए बस वही ब्लूटूथ के लिए रिबूट करना पड़ेगा, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग है, तो आप उसका भी यूज़ कर पाओगे। और वाईफाई कॉलिंग तो बिल्कुल वर्किंग है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल फिक्स मिल जाती है कॉलिंग में। और ये MIUI 12 वाला जो कैमरा हमें इसके अंदर मिलता है बाय डिफॉल्ट, ये बिल्कुल सेम पहले जैसा रहेगा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ही काम करी, बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम मिल जाता, तो वीडियो रिकॉर्डिंग बस कर पाओगे। लेकिन GCam यूज़ कर लेना, इसके अंदर दिक्कत आपको नहीं मिलेगा, ये अच्छे से काम करो। वहीं प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं, तो प्ले स्टोर भी यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड है पहले की तरह ही, यानी कि बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, विदाउट रूट भी सेफ्टी नेट इसके अंदर पास मिल जाता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन भी वैसे आपको लेटेस्ट मिलेंगे, सिक्योरिटी के अंदर गेम टर्बो आपको मिल जाएगा, गैलरी भी अपडेटेड ही है जैसे कि पिछले अपडेट में भी दिखाया था, तो वही बिल्कुल लेटेस्ट आपको गैलरी मिल जाती है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। और टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कोई FM नहीं मिलता पहले की तरह, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था पिछले अपडेट में, लेकिन इस अपडेट में फिक्स हो चुका है। और FPS 60 FPS तक ही देखने को मिलती है, तो ये आपका फिलहाल फिक्स है। और यहाँ पे ओके गूगल का बग रहेगा पहले की तरह ही। और एंटूडो स्कोर 4,21,000 इस बार मिला है, पिछले अपडेट के अंदर 4,29,000 था, तो पोको F1 के हिसाब से सिमिलर या ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला है। वहीं CPU थ्रोटलेट की बात करें तो इस बार नो CPU थ्रोटलेट यहाँ पे दिखा रहा, हालांकि 90% से ऊपर ही है, पिछले अपडेट में 90% तक हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार 90% से ऊपर ही देखने को मिल रहा, तो ये भी सिमिलर समझ सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम गीकबेंच स्कोर की बात करें तो गीकबेंच स्कोर इस बार हमें 507 मिला, सिंगल मल्टी पे 2197 मिला, जबकि पिछले अपडेट में सिंगल मिला था 506 का और मल्टी का मिला था 2171 के करीब था। तो यहाँ पे भी हल्का हल्का एक एक दो दो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, तो सिमिलर ही, उतना कुछ खास फर्क नहीं है। वहीं वाइड वाइन L1 की बात करें तो L1 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, तो सिक्योरिटी लेवल L1 बिल्कुल सपोर्टेड है। और बूट एनिमेशन आपका सेम ही रहेगा, तो बूट एनिमेशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो पिछले अपडेट में एंड्रॉइड सिस्टम वाला पॉपअप आता था हर बार बूट करने के बाद, तो वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, तो अब आपको देखने को चीज़ नहीं मिलेगी, तो रिमूव हुआ है। और वहीं बात करें ऐप ओपनिंग की, जैसे कि अभी तक नहीं दिखाते तो ये भी दिखा देते, तो ऐप ओपनिंग, तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल अच्छे से ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यूट्यूब इन सब पे एनिमेशन मिल जाता है ओपन पे, जैसे कि एंड्रॉइड 10 पे एनिमेशन मिलता है, तो ये चीज़ मिल जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रैम की, तो रैम आपको यहाँ पे 6GB वाला मेरा है, तो यहाँ पे 3.6GB करीब मिल रहा है, जो कि पिछले अपडेट जैसा, यानी कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और जो हमारा गेम टर्बो है इसके अंदर लेटेस्ट है बिल्कुल, जिसमें वॉइस चेंजर भी वर्किंग रहने वाली है, तो आपका रिकमेंडेड मिल जाता है। और फ्री वाला मैं यूज़ किया था, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, रिकमेंडेड ट्राई नहीं किया हूँ। वहीं अगर हम बात करें गेम मोड की, तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस या परफॉर्मेंस मिल जाता, तो वॉइस चेंजर वर्किंग रहेगा यहाँ पे, बाकी ग्राफिक आपकी सेम रहेगी जैसे कि पहले मिलती थी, तो यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है, ग्राफिक आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। और इसके अंदर भी मैं बिल्कुल पहले की तरह ही स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेल रहा हूँ। एंड बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पिछले वाले से बेटर ऐसा कुछ नहीं है, पिछले अपडेट जैसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। तो यहाँ पे फिलहाल आपको पिछले अपडेट में भी अच्छी मिलती थी, ऐसा नहीं कि ख़राब थी, अच्छी पिछले अपडेट में मिलती थी और अभी भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही मिलता है। तो बाकी अभी आपको ब्लूटूथ इन सब का जो बग मिल रहा है, MI साउंड ये सब का, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी अभी फिलहाल इसके अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स भी की गई हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर ही पिछले में इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, टेस्ट किया था बट इस बार चेक किया था तो ये काम कर रहा था, तो ये फिक्स हो चुका है। इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें फिक्स की गई हैं, तो आपको फिक्स मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपका कॉलिंग से रिलेटेड तो हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे वॉल्ट ही काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है और वीडियो कॉल भी वर्किंग है इसके अंदर में। पिछले में भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो पिछली वाली एक बार वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें बताएं, इसमें ज़्यादातर फोकस क्यों नहीं चीज़ों में, जहाँ जहाँ चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत उन्हीं के बारे में बताया हूँ, तो इसलिए आप वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन अगर कुछ मिस किया हो, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर बता भी सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।